बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बुल्ला टीवी और मैं हूं मियां नवाज करीमी। नज़र डालते हैं इलाकाई खबरों पर। मुल्तान में फन खताती की माहिर 62 साल खातून अपने हाथ से लिखे हुए कुरान पाक को मदीना मुनव्वरा में रखवाने की ख्वाहिशमंद है। वो क्या कहती हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। ज़ाहिदा सुलेमान हूँ, मैं एक फ़ौजी ऑफिसर की बेटी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और मेरे माशाल्लाह चार बच्चे हैं, चारों डॉक्टर हैं। शौक़ हुआ लिखने का, मैंने लिखना शुरू किया तो अपने तौर से किया था, मेरे कोई उस्ताद नहीं थे उस वक़्त, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, मैंने खुद ही लिखा। जब मैं 12 सिपारे लिख चुकी तो मेरी इतफाक़ी मुलाकात मुल्क के माया नाज हत्तात राशिद सियाल साहब से हुई। फिर मैंने दोबारा से कुरान पाक शुरू किया और उनकी निगरानी में उनको रोज़ाना उनको मैं अपना व्हाट्सएप भेजती थी और रोज़ाना वो चेक करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से दोबारा कुरान पाक शुरू हुआ। इस तरह से मेरे बीच में फिर मैंने डिसऑर्डर को 2 साल के लिए छोड़ भी दिया। फिर मैंने एक किताब भी मुरतब की दरमियान में और दुआओं की किताब, तो इस तरह से मुझे 7 साल लग गए कुरान पाक कंप्लीट करते हुए। मुश्किलें पेश आती थी इस तरह से कि यहाँ पे कोई खताती की चीज़ें भी नहीं मिलती, और दूसरा ये बात कि कभी मुझे लगता था कि मैं अच्छा नहीं लिख रही तो इस तरह से हो जाता था कभी, लेकिन फिर कभी अल्लाह ताला ये हिम्मत दे देते थे कि नहीं मैं लिखूं इसको, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कंप्लीट कराना था वो करवा लिया। इसके अलावा मैं पेंटिंग करती हूँ और ड्रेस डिज़ाइनिंग भी करती हूँ, फ्लावर अरेंजमेंट्स, घर की डेकोरेशंस और इस तरह के मेरे शौक़ हैं। मुस्तकबिल में इंशाल्लाह ताला एक कुरान पाक और लिखने का इरादा है, जो इससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत लिखने की कोशिश करूँगी, और वो मैं इंशाल्लाह एक ही कॉपी होगी और मैं मदीने शरीफ भेजूँगी।